मध्य प्रदेश संविदा कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं बदहाल हो रही है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का ये क्रम निरंतर जारी है। संविदा कर्मी प्रतिदिन एक नई एक्टिविटी करके अपनी ओर ध्यान आकर्षण का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी मांगों को नोटिस किया जा सके। समान काम समान वेतन की मांग पर बैठे हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की काम बंद हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ रहा है। आज सभी संविदा कर्मियों ने अपने खून से पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भेजा है और अपनी मांगों पर ध्यान आकर्षण का प्रयास किया। बता दें कि एक तरफ देश में कोरोना की आहट है, वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल पर जाना प्रशासन के सिरदर्द साबित हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर सिर्फ संविदा स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में शासन की स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और योजनाएं दोनों ही प्रभावित हो रही है। खनियाधाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। मैं अपने खून से लिखा है और आज समस्त संविदा कर्मचारी यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं CSC खनियाधाना पर। तो यहाँ जाके हमारी बात वहाँ तक मामा जी तक पहुँच सके, हम सब लोगों ने अपना खून निकाल कर ये पत्र लिखे हैं। आपकी क्या मांगे? हमारी मांगे दो मांगे हैं, एक तो नियमितीकरण, दूसरा जो हमारे साथी जो निकले हैं उनको बहाल किया जाए। क्या नाम है आपका? पंच देवी। क्या नाम है? रुक्मणी प्रजापति। क्या नाम, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी सिर्फ दो ही मांगे हैं। हमें हमको नियमितकरण किया जाए और दूसरी मांग हमारी ये जो हमारे पुराने साथियों का हटा दिया गया था उनको रिपीट लिया जाए। और ये पत्र आपने क्या? पत्र ये खून का हमने इसलिए लिखा है, काम कर करके तो वैसे ही हमारा खून पी रहे हैं मुख्यमंत्री जी। लेकिन इस पत्र के अनुसार हमको ये है कि अभी देख लो, खून से ही लिखा है, अगर हम भोपाल आए तो खून से ही तिलक करेंगे हम सब संविदा कर्मचारी।